आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी है क्यूपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे राइनोसेरस की, गैंडा। कई बार हम लोग मजाक में, जो लोग मोटे होते हैं उनको गैंडे गैंडा कह देते हैं ना, भाई ऐसा मत बोला करो, बहुत बुरा लगता है किसी को। तो आज हम बात करेंगे जो राइनोसेरस हैं, राइनोसेरस का जो डंग है, जो गोबर होता है, वो क्या बताता है। ये एक नया तरीका निकाला है। देखिए, जो हमारा मल है उससे हम अपनी हेल्थ जो है वो देख सकते हैं, डॉक्टर्स पहले यही पूछता है। तो राइनो का जो डंग है वो किस तरीके से, इट ऑफर्स क्लूज ऑन हेल्थ एंड नेचुरल डेथ। देखिए वन, ये आप देख रहे हैं ना, ये इंडियन राइनोसोरस है, वन हॉर्न्ड राइनोसोरस, सींग है, एक सींग है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है दोस्तों कि ये IUCN की रेड लिस्ट में है। राइनोसेरस की हंटिंग आज से नहीं, राजा महाराजाओं के टाइम से चलती आ रही है, और ये बहुत बड़ा थ्रेट है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये खत्म हो जाए। 1910 में भारत में राइनोसेरस की हंटिंग को बैन कर दिया गया था। तो राइनोसेरस के लिए प्रोटेक्शन, मतलब हैबिटेट भी बनाया गया है, काजीरंगा में आपको मिलेंगे, मुश्किल है, हम इनकी बात करेंगे अभी। हालांकि लेक्चर हमारा रहेगा कि किस तरीके से इनका जो डंग है वो इनकी हेल्थ और नेचुरल डेथ के बारे में बताता है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं राइनोसेरस के बारे में, क्यों इनको पोच किया जाता है, क्यों इनको मारा जाता है, इनका शिकार किया जाता है, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। UPSC के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, Study IQ का ऐप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, 8 से 10 बजे तक मैं क्वेरीज ही आंसर करता हूँ आपकी। तो देखो, सबसे पहले तो वन हॉर्न्ड राइनोसेरस की बात करते हैं जो भारत में है। हेल्थ इश्यूज से पहले हम देखते हैं कि राइनोसोरस स्पीशीज जो है उसको खतरा क्या क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि IUCN की रेड लिस्ट में है, ये वल्नरेबल में है, ये जो रेड लिस्ट में। हमारे यहां जो राइनोसोरस की पॉपुलेशन है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक रिस्ट्रिक्ट है। 2019 तक की बात करें दोस्तों तो सिर्फ 2100 से 2200 वन हॉर्न्ड राइनोसोरस आपको मिलेंगे, बहुत कम है। इंडो गैंजेटिक प्लेन में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इनका जो स्ट्रेच है ये यहीं पे आपको मिलेंगे, आसाम में मिलेंगे, इधर नेपाल में भी मिलते हैं। लेकिन मैंने बताया कि इनकी हंटिंग इतनी ज़्यादा की जाती है, देखिए इनकी जो सींग होती है ना उसको मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इनकी हंटिंग आज से नहीं, बहुत टाइम से हो रही है। ब्रिटिश ऑफिसर हो गए या उससे पहले जो राजा महाराजा थे इनको मार रहे हैं, और ड्रास्टिकली रिड्यूस, उसके बाद फाइनली जब ये देखा कि अरे यार ये तो खत्म ही हो जाएंगे तो इसको बंद करो। 1990 में, 1990s की बात करें, अर्ली 1990s में सिर्फ 1870 से लेकर 1895 तक रह गए थे, बस इसी के बीच में। ये तो कहिए कि इतने सारे कंजर्वेशन प्रोग्राम्स जो हैं और इनको बचाने की कवायद चालू की गई है तब इनको बचाया जा सका है, और इनका जो अब जो थोड़ा इंक्रीज भी हुआ है जो राइनोसेरस है। ठीक है, कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलेंगे, इंडो गैंजेटिक प्लेन में मिलेंगे, ब्रह्मपुत्र बेसिन में मिलेंगे, पाकिस्तान म्यांमार बॉर्डर पे मिलेंगे, बांग्लादेश नेपाल भूटान में भी आपको मिलेंगे, लेकिन भारत में ज्यादा मिलते हैं। जो तराई ग्रासलैंड है ना सदर नेपाल के और नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश के, वहां पे आपको मिलेंगे, नॉर्दर्न बिहार में मिलेंगे। अभी हम बात करेंगे, ठीक है, कहां कहां ये मिलते हैं अभी देखेंगे, कहां कहां से सैंपल जो है वो कलेक्ट किए गए हैं। 2006 की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन 2500 के करीब थी, अगर राइनोसेरस की बात करें, जिसमें से 2200 इंडियन प्रोटेक्टेड एरियाज में, यानी कि राइनोसेरस आपको भारत में सबसे ज्यादा मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा कहां भैया, काजीरंगा नेशनल पार्क, वो राइनो वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए ही तो फेमस है, इसीलिए तो लोग जाते हैं काजीरंगा। आप देखिएगा काजीरंगा नेशनल पार्क पे मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर लिया है। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क में मैंने सेपरेट लेक्चर इसलिए लिया है क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, बहुत खूबसूरत है। आप देखिएगा आसाम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो ये भी पढ़ के जाओ, ये देखा ना UPSC में कैसे सवाल आया, मस्क डियर कहाँ मिलेंगे, तो ये सब पढ़ के जाओ, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत पूछना सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं। जल्दपारा नेशनल पार्क में आपको मिलेंगे, काजीरंगा में आपको 1855 मिलेंगे, मतलब देखिए 1855 में, तो 1966 में काजीरंगा में 366 थे, 2006 आते आते ये 1855 हो गए, और 2009 आते आते 2048 हो गए, और अभी और ज्यादा इंक्रीज हुए हैं।
तो अच्छी बात है जब देखते हैं कि जानवरों की जो तादाद है वो बढ़ रही, स्पेशली जो वल्नरेबल है बड़ी खुशी होती है। फिर आपको पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जल्दपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरांग नेशनल पार्क, गोरुमोरा, दुधवा नेशनल पार्क, 1984 में दुधवा नेशनल पार्क लाए गए थे राइनोसोरस, तो ये सब। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये तो चलिए बात कर ली हमने, ये इनकी पोचिंग बहुत होती है, बहुत ज्यादा। 1910 में इसको बैन किया गया था और बहुत इनको इनका शिकार किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि राइनोडंग से कैसे हम इनके हेल्थ इश्यूज को समझ सकते हैं, जो भी इनको बीमारियां होती हैं। देखो राइनो दो तरीके से मरते हैं, या तो इनका शिकार हो जाए या तो नेचुरल डेथ हो जाए। ठीक है, शिकार इंसान करेंगे, किसी और जानवर में तो इतनी औकात नहीं कि राइनोसोरस को मार दे, इतना खतरनाक होता है, बहुत अच्छे होते हैं वैसे, बहुत सीधे साधे होते हैं। तो राइनोसोरस या तो इनकी पोचिंग होती है, इनकी सींग उखाड़ ली जाती है। जब राइनोसोरस मरे हुए मिलते हैं और देखते हैं कि इनकी सींग नहीं है, तो इसका मतलब इनका शिकार किया गया, क्योंकि सींग के लिए ही इनका शिकार किया जाता है। उसकी मेडिसिनल वैल्यूज जो होती हैं बहुत ज्यादा है, नहीं तो नेचुरल डेथ होती है। नेचुरल डेथ क्यों होगी? बीमारियों की वजह से। तो बीमारियों को समझना है तो इनकी हेल्थ को समझनी होगी। हेल्थ को समझने के लिए आपको इनके डंग को, इनके गोबर को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो 2017 में राइनो टास्क फोर्स ऑफ आसाम और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ इंडिया, इन्होंने इस टास्क को अपने हाथ में लिया और इन्होंने स्टडी कराई। स्टडी किसके लिए? इस डंग को, इन्होंने फ्रेश राइनो डंग को इवैल्यूएट किया आसाम, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आसाम में सबसे ज्यादा अभी मैंने बताया, तो वहां से डंग को, जो गोबर है उसको कलेक्ट किया और ये देखा, उसको इवैल्यूएट किया कि भैया इसमें कोई पैथोजन तो नहीं है, और इसका नाम ही था, फिर इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया, इसका नाम ही था प्रेवलेंस ऑफ एंडोपेरासाइटिक इन्फेक्शन इन फ्री रेंजिंग ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस। अब आप नाम ही देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं कि भैया इनमें पैरासाइट घुस गए हैं, कोई बैक्टीरिया घुस गया है, तो ये पता कैसे चलेगा? डंग से। अब ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया, या तो राइनो को पोच किया जाएगा या तो इनकी नेचुरल डेथ होगी। पोचिंग के लिए तो हम, वो तो सरकार ही कर सकते हैं, कर भी बढ़िया रही है। मैं अभी देखिए ना कि इनका, इनकी जो तादाद है वो ऊपर जा रही है, इसका मतलब पोचिंग नहीं हो रही है। कानून सख्त बना दो, सबके सब लाइन पे आ जाएंगे। जब अथॉरिटीज स्ट्रिक्ट हो जाए ना तो सबके सब लाइन पे आ जाते हैं। तो भैया पोचिंग के लिए तो अब तो बहुत सख्त कानून है, इसीलिए पोचिंग होती भी नहीं है, और लगातार रेंजर्स भी देखते रहते हैं, ऐसा तो नहीं इनका शिकार किया जा रहा है। भाई जानवरों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है? तो राइनो को या तो पोच किया जाएगा या फिर ये नेचुरल कॉजेस से मरेंगे। ये जो नेचुरल डेथ है इसको बहुत ही कम एक्सप्लोर किया गया, इसके बहुत सारे मल्टीपल रीजन। भाई हैबिटेट भी तो हम पेड़ काटते जा रहे हैं, जहां पे राइनो है वहीं पे घुस जाओ, मर जाएगा वो, ठीक है, अडॉप्ट ही नहीं कर पाएगा, तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया गया। अब 2017 से लगातार स्टडी जो है वो चल रही है। रिसर्चर्स की माने तो इसका बहुत बड़ा एक रीजन हैबिटेट डिग्रेडेशन भी होता है। देखो कोविड जो है वो ह्यूमन, एनिमल टू ह्यूमन है, पता है क्यों? खतरा है, हम जितना ज्यादा अंदर घुसते जाएंगे, अंदर कहां घुसेंगे? जंगलों में। जितना ज्यादा हम जानवरों के हैबिटेट को खत्म करेंगे उतना ज्यादा हमारा रिस्क बढ़ता जाएगा, हम उतना ज्यादा एनिमल्स के संपर्क में आएंगे, और उतना ही रिस्क बढ़ता जाएगा कि हम कोई ऐसा वायरस है, क्योंकि जानवरों में बहुत ऐसे वायरस होते हैं, तो कोविड एक है, जानवरों में ऐसे बहुत सारे वायरस होते हैं जो हमारे अंदर आ गए तो गए हम काम से। ये चीज आप समझ के चलिए, यही राइनोसोरस के साथ होता है, इनके हैबिटेट को डिग्रेड किया जा रहा है। अब इससे होता क्या है कि राइनो जो है उनका एक्सपोजर जो है पैथोजन से वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? भाई सिंपल सी बात है, लाइव स्टॉक प्रेशर जो है प्रोटेक्टेड एरियाज में बहुत ज्यादा है। तो भाई ये डोमेस्टिक एनिमल जो है, जहां पे ये राइनोसोरस रहते हैं, यहां पे गांव भी है, गांव के पास लाइव स्टॉक है, ये जो लाइव स्टॉक है ये इन एरियाज में घूमते हैं। अब जब ये इन एरियाज में घूमेंगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन डोमेस्टिक एनिमल्स के जो पैथोजेंस होते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स में आएंगे ही आएंगे, ये तालुकदार का कहना है। तो डिजीजेज जो है, बीमारियां जो है, उसकी सबसे बड़ा कारण ये है कि हैबिटेट डिग्रेडेशन, और यही एक इनविजिबल कॉज है राइनो की डेथ का। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि राइनोसोरस को खाना नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा वो, क्या खाएगा वो? वीड खाएगा, कीड़े मकौड़े खाएगा, और अगर वो कीड़े मकौड़े खाएगा
तो उसको बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसी को एड्रेस करना है, यही इसको कि भैया नेचुरल कॉजेस क्या है, और नेचुरल कॉजेस के लिए हम इनके गोबर को एनालाइज कर रहे हैं। तो इसको करते कैसे हैं, प्रेजेंट स्टडी की बात करें तो सबसे पहले तो पैथोजेंस को स्क्रीन किया जाता है, नॉन इन्वेजिव प्रोसेस होता है। भाई देखो आप कुछ इसमें दो तरीके हैं, या तो आप राइनोसोरस को पकड़ के लाओ, उसको बेहोश करो, देखो वो तो इन्वेजिव प्रोसेस हो गया, उसमें आप इंजेक्शन डालोगे और पता नहीं क्या क्या। नॉन इन्वेजिव ये बहुत बढ़िया है, इसमें ना ही राइनोसोरस को कोई प्रॉब्लम होगी, आप क्या करो उसके गोबर को उठा लो और उसी का ही एनालिसिस करना शुरू कर दो। अब एनालिसिस सैंपल जो है कहां से, यूपी दुधवा नेशनल पार्क हो गए, वेस्ट बंगाल भाई जल्द पारा नेशनल पार्क हो गया, गोरुमुरा नेशनल पार्क हो गया, आसाम का राजीव गांधी ओरैंग जहां पे मिलते हैं, जहां भारत में जहां पे राइनोसोरस मिलते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क में तो सबसे ज्यादा, वहां से सैंपल्स को कनेक्ट किया गया। अब ये पैथोजेंस जो है वो बहुत कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खतरा है। ये पैथोजेंस जो है वो साफ कर देंगे राइनोसोरस को, ऐसा भी नहीं है, पैथोजेन एग्जिस्ट करते हैं। कैसे स्टडी की जा रही है, सबसे पहले तो डंग को लेके आओ, गोबर को लेके आओ, उसका एनालिसिस करो। सेकेंड स्टेज ये होती है जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो ये देखो कि वो पैथोजन कितना ज्यादा खतरनाक है। तो अभी स्टडी जो है वो प्रीलिम स्टेज पे है, अभी हम इसको और ज्यादा एक्सपैंड करेंगे और ज्यादा देखेंगे, लेकिन ये हेल्पफुल बहुत ज्यादा है क्योंकि अल्टीमेटली स्टडी रिजल्ट देगी और ये बताएगी कि राइनोसेरस की जो नेचुरल डेथ होती है उसका कारण क्या होता है, किस तरीके के पैरासाइट्स जो है वो वाइल्ड राइनोसेरस में, वाइल्ड राइनो पॉपुलेशन में मिलते हैं हमको, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, स्टडी का यही मतलब होता है। तो ऐसे स्टडी हो रही है, इस तरीके से सैंपल को एनालाइज किया जा रहा है, हर सैंपल को एक यूनिक आईडी दी गई है और इसको डिपार्टमेंट ऑफ पैरासाइटोलॉजी को भेज दिया गया है, जो कि कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस है आसाम एग्रीकल्चर कल्चरल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अब फाइंडिंग्स क्या है, जो ये फाइंडिंग्स है इसमें हमको मिला क्या है, इसमें ये मिला है सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि आसाम और वेस्ट बंगाल, अभी हर जगह से सैंपल्स नहीं आए हैं, तो आसाम और वेस्ट बंगाल में जो सैंपल मिले हैं इसमें ये बताया है कि 68% ऑफ द राइनो पॉपुलेशन में पैरासाइट्स प्रेजेंट हैं। बिल्कुल 68% जो कॉज, यहां पे जो बीमारियां होती है राइनोसोरस को, मौत का कारण भी यही पैरासाइट होते हैं 68%। ओवरऑल प्रेवलेंस क्या है, 58.57% आसाम में, 88.46% वेस्ट बंगाल में, यूपी के अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं, तो अभी उसमें देखना पड़ेगा हमको। देखो एंडो पैरासाइट जो हैं, वो चार फोर जेनेरा समझते हैं ना, ग्रुप राइनोसेरस का ग्रुप, ठीक है। जीनस मतलब क्या होता है, जीनस मतलब होता है कि वो ग्रुप एनिमल्स का ग्रुप, प्लांट्स का ग्रुप जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है, जैसे टाइगर, भाई बिल्ली और टाइगर समान ही तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है, वुल्फ, वुल्फ और डॉग सिमिलर है, तो सारे ग्रुप में ये आ जाएंगे। तो यही तो डायनोसोरस के चार जेनरा है, चार जेनस है, ठीक है। तो इसमें ये बताया है कि ये जो प्रेवलेंस है 58.57% आसाम में, 88.46% वेस्ट बंगाल में, टोटल 68% ये बताया गया है, ठीक है। ये लेक्चर था, आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि हमको जानवरों को बचाना तो है ही और देखना भी है कि क्या क्या हम और स्टेप्स ले सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।